मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप यू ऑल आर गुड एंड वेल एट होम. प्लीज स्टूडेंट परचेज योर बुक. विदाउट बुक यू कांट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टीचिंग. सी दिस इज योर बुक स्मार्ट ग्रामर क्लास 8. ये आपकी बुक है क्लास 8 की स्मार्ट ग्रामर. तो आप इस बुक्स को खरीद लें. विदाउट बुक आप नहीं समझ में आएगा कि आपकी टीचर्स क्या पढ़ा रही हैं. और आप सीनियर क्लासेस में आ चुके हैं, बुक्स आपको खरीदना कंपलसरी है. आप देख सकते हैं कि आपके मैक्सिमम सब्जेक्ट में टीचर्स आपके कोर्स कंप्लीट कराना स्टार्ट कर दिए हैं. तो आपका लॉस है, आप बुक्स नहीं खरीद रहे हैं. आप बुक्स खरीदें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें. यस्टरडे आई टॉट यू नाउन क्लॉज. मैंने कल आपको नाउन क्लॉज पढ़ा दिया था. विद एग्जाम्पल मैंने समझाया था, जो जो दिया है वहाँ पे ऑब्जेक्ट एज अ प्रीपोजिशन मैंने समझाया था, ऑब्जेक्ट एज अ वर्ब सब्जेक्ट समझाया था. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नाउन क्लॉज क्या होता है. सेकेंड आपका क्या था, उसके पहले मैंने पढ़ाया था इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट कोऑर्डिनेट सबऑर्डिनेट, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी. आज क्या पढ़ाऊंगी मैं, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एग्जेक्टिव क्लॉज. एग्जेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं आज हम वो पढ़ेंगे. और ये बहुत ही ईजी है, मुझे ऐसा लगता है कि ये नाउन क्लॉज के कंपेयर में ईजी है. तो ये आपको समझ में जल्दी आएगा. तो पहले एग्जाम्पल से ही मैं शुरू करती हूँ. पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी ताकि आपको ये समझ में आए कि एग्जेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं. तो लुक एट सम एग्जाम्पल नाउ. फर्स्ट जो एग्जाम्पल है मैं आपको देती हूँ. बुक्स है आपके पास तो अपनी बुक्स खोल ले एंड लुक एट योर बुक. नाउ लेट अस लुक एट द सेंटेंस. मैरीज सिस्टर हैज ब्लू आईज. यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मैरी की सिस्टर. मैरी की जो मैरी सिस्टर हैं उनकी क्या है, आईज क्या है, ब्लू हैं. तो इन दिस सेंटेंस ब्लू इज एन एडजेक्टिव बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग द नाउन आईज. वी कैन ऑल्सो राइट द सेंटेंस एज, ये यहाँ पे ब्लू मतलब कि जो यहाँ पे सेंटेंस में ब्लू है वो एक एडजेक्टिव है. वो किसके बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन आइस के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है. और हम इस सेंटेंस को एक तरीके से और लिख सकते हैं जो एडजेक्टिव क्लॉजेस में हम लिखते हैं. तो क्या लिख सकते हैं, मैरीज सिस्टर हैज आइस विच आर ब्लू. मैरीज सिस्टर हैज आइस विच आर ब्लू. तो हमारे सिस्टर की आईज जो है ये ब्लू है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं हम. तो हमें अब देखिए मैं एक्सप्लेन करूँगी कि ऐसे और ऐसे में आपको कि नाउन क्लॉज कहाँ है, किस तरीके से है. तो इन द केस विच आर ब्लू इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड. विच आर ब्लू इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, जो मैंने सेकेंड वाला एग्जाम्पल आपको बताया है, मैरी सिस्टर हैज आईज which are blue is a group of word which has a subject. इसमें आपको subject देखने को मिलेगा. क्या subject क्या है, which and the verb. verb आपको देखने को मिला, वो verb क्या है, are. तो so this group of word is a clause. ये क्या हुआ, ये group of word क्या है, clause है. now this clause does not make complete सेंस ऑन इट्स ओन. तो आप देख सकते हैं ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये एक बिल्कुल भी कंप्लीट सेंस नहीं है खुद में. इफ आई से विच आर ब्लू इज डज नॉट मेक कंप्लीट सेंस, इट नीड द मेन क्लॉज. ये क्या है, इसको मेन क्लॉज की ज़रूरत है इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैरी सिस्टर हैज ब्लू आईज टू कंप्लीट इट्स सेंस. मैरी सिस्टर हैज ब्लू आईज, ये क्या है, कंप्लीट सेंस है. सो दिस क्लॉज इज एन डिपेंडेंट क्लॉज एंड दिस क्लॉज एक्टिंग एज अ एडजेक्टिव. ये क्या डिपेंडेंट क्लॉज है और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज की तरह कार्य कर रहा है. बिकॉज दिस पार्ट
Which are blue is describing the eyes. Blue is describing the eyes. यहाँ पे blue describe कर रहा है eyes के लिए और eyes blue क्या है? Adjective है. Just like the adjective blue, so this clause is known as an adjective clause because this is doing the verb of an adjective. ये क्या कर रहा है? Verb of an adjective की तरह, वर्ब ऑफ एन एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है और ये एक एडजेक्टिव क्लॉज है जो मैरी की विशेषता के बारे में बता रहा है. और साथ में आप यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज भी देखे हैं, हाँ, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एडजेक्टिव क्लॉज का ये पार्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो अब मैं आपको डिस्क्राइब करने जा रही हूँ. तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं, आपको अगर आपको नहीं याद होगा, अच्छे से रिमेंबर नहीं किए होंगे कि क्लॉज क्या होते हैं, तो मैं एक बार फिर से समझा सकती हूँ. अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ स्पीच. इट एक्ट्स एज अ नाउन एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब एंड कन्वे सम सेंस. इट मे और मे नॉट स्टैंड अलोन टू फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस और एन कन्वे अ कम्प्लीट थॉट. इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ये क्लॉज क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड है जो पार्ट ऑफ स्पीच का है. ये इट एक्ट एज एन नाउन. नाउन और एडजेक्टिव एंड एडवर्ब आपको देखने को मिलेगा. साथ में कभी आपको स्टैंड अलोन देखने को मिलेंगे, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और साथ में देखने को मिलेंगे. कंप्लीट सेंस इनके निकल के नहीं आएंगे, कभी कंप्लीट सेंस आएंगे. और सबसे मेन थिंग इज दैट इट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. इसमें आपको सब्जेक्ट एंड वर्ब ज़रूर देखने को मिलेगा. तो अब हम एडजेक्टिव क्लॉज के बारे में बात करते हैं. एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज. स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, एन एडजेक्टिव क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज दैट मॉडिफाई अ नाउन प्रोनाउन. जो मॉडिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को एडजेक्टिव क्लॉज में. लाइक एन एडजेक्टिव, किस तरीके से मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव की तरह से. ना, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? वो डिपेंडेंट क्लॉज होता है. उस सेंटेंस में मॉडिफाई करता है नाउन एंड प्रोनाउन को. किस तरीके से करता है? लाइक एन एडजेक्टिव. एडजेक्टिव मतलब उसकी विशेषता बताने के साथ वो मॉडिफाई करता है. तो एन एडजेक्टिव क्लॉज इज इंट्रोड्यूस बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन. एन एडजेक्टिव क्लॉज इज इंट्रोड्यूस बाय अ रिलेटिव प्रोनाउन. एडजेक्टिव क्लॉज एक रिलेटिव प्रोनाउन के रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं इसमें साथ साथ में, जैसे कि रिलेट करता है वर्ड्स को कुछ, जैसे हैं दैट, हु, हूम, हूज, विच, और बाय अ रिलेटिव एडवर्ब वेयर वेन. और आपको रिलेटिव एडवर्ब भी देखने को मिलेंगे इसमें, वेयर एंड वेन. इस तरीके के क्लॉज जो है एडवर्ब में देखने को मिलेंगे एडजेक्टिव क्लॉज के अंदर. तो नाउ रिलेटिव एडवर्ब एक्चुअली रिलेट प्रोनाउन. रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं? एक्चुअली रिलेट्स प्रोनाउन को रिलेट करते हैं. विच एक्ट एज अ एडवर्ब When they are joining two clause or two sentence, जब वो दो clause और दो sentence को जोड़ते हैं, relate करते हैं, then we are uses the relative adverb and relative pronoun in adjective clauses. तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि हम कहाँ पे और कैसे इसको relate करते हैं, कैसे join करते हैं, वो आपको adjective clause के अंदर देखने को मिलता है. इन एडवर्ब वेयर टेलस अबाउट द प्लेस, वेन टेलस अबाउट द टाइम, एट विच प्लेस, वेन एट विच टाइम. जो आपका वेन और विच होता है वो टाइम और प्लेस से एडवर्ब में रिलेट करता है, आपका टाइम और प्लेस बताता है. ये तो आपको पता ही होगा एडवर्ब में जब हम विच और वेन का यूज़ करते हैं वो टाइम एंड प्लेस का रिलेट करता है. तो ये क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉजेज आर ऑल्सो कॉल्ड अ रिलेटिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्लॉज क्या है? वो रिलेटिव क्लॉज भी कहलाते हैं क्योंकि इसके अंदर मैंने अभी आपको बताया आपकी एडवर्ब भी देखने को रिलेट करता है एंड प्रोनाउन भी रिलेट करता है. ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो मॉडिफाई करता है नाउन प्रोनाउन, जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव. लाइक एडजेक्टिव की तरह उसको मॉडिफाई करता है. तो ये सारी क्या है? आपकी एडजेक्टिव क्लॉजेज हैं.
तो ये आई होप मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल्स और हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल्स के थ्रू इसको क्लियर करूँगी कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं। तब तक आप आपके होमवर्क हैं कि आप इसको पूरे जो मैंने आज पढ़ाया है इसकी एक नोट्स बनाएं, हैंड रिटन अपनी कॉपी में लिखें और उसको रिवीजन करें। दिस इज़ योर होमवर्क एंड प्लीज़ स्टूडेंट परचेज योर बुक। थैंक यू।